विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रभु के छठे अवतार थे प्रभु शरभ, जिन्होंने ये सीख दी कि विजय प्राप्ति के उपरांत अहंकार के वश में आकर स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। किंतु आपने तो प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त करने पर भी अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुए और प्रभु महादेव से कैलाश का ही त्याग करवाने का संकल्प ले लिया। तो मैंने क्या बुरा किया गौरी पुत्र? प्रभु के सातवें अवतार प्रभु ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने ये स्थापित किया, प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु आपने भक्त के कर्तव्य से भटक कर स्वार्थवश उनके आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया। मैं प्रभु के आत्मलिंग का क्यों त्याग करता? मेरा अधिकार था उन पर। अधिकार? कैसा अधिकार लंकेश? कदाचित आपको प्रभु के आठवें अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा से प्राप्त सीख का स्मरण नहीं हुआ। भले ही मैं तुम्हें याद नहीं लौटा रहा हूँ, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे। समय आने पर ही अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे। जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? किंतु आपने तो समस्त मर्यादाओं का ही परित्याग कर दिया। प्रभु के आशीर्वाद को भी अपना अधिकार मान बैठे आप। फिर प्रभु के नवे अवतार प्रभु सुरेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई कि जो बाधाओं की चिंता किए बिना पूर्ण एकाग्रता से निरंतर अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो अवश्य विजयी होते हैं। किंतु आप तो अपने लक्ष्य, अपने प्रभु और उनकी भक्ति से भटक कर निस्वार्थ के प्रति एकाग्र हो गए। बस गौरी पुत्र, अब आप मुझे अत्यंत क्रोधित होने पर विवश कर रहे हैं। आपका क्रोध जागृत हो रहा है लंकेश? तो तनिक प्रभु के क्रोधांश से उत्पन्न हुए उनके दसवें अवतार प्रभु ऋषि दुर्वासा की सीख का भी स्मरण कर लीजिए, जिन्होंने सदा अनुशासन का पालन करने की सीख दी, किंतु आप ही भक्ति का अनुशासन भूल गए। निश्चल भक्ति से छल का समावेश होने दिया आपने। छल नहीं, मेरी भक्ति थी गौरी पुत्र, प्रभु की सर्वोच्च भक्ति, महान भक्ति। प्रभु की ग्यारहवें अवतार प्रभु अवधूत की सीख का स्मरण हुआ आपको? अहंकारी को उसका अहंकार उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे अहंकारी होते हैं जो उचित सीख प्राप्त कर स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं, किंतु कुछ किसी भी सीख को प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं और पूर्ण रूप से स्वयं पर अहंकार का प्रभाव होने देते हैं। अहंकार नहीं, विश्वास है कि मैं प्रभु का महानतम भक्त हूँ। तभी तो प्रभु के आत्मलिंग प्राप्त हुए थे मुझे, और उन आत्मलिंग को आपने मुझसे छल से छीना गौरी पुत्र। जो अपना नहीं है वो पराया है, उसके मोह से ही मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या का जन्म होता है और मात्सर्य सदा विनाश की ओर ही ले जाता है। प्रभु के बारहवें अवतार प्रभु वृषभ ने इसके प्रति सावधान रहने की तो आपको सीख भी दी, और आप स्वयं ही देख लीजिए कि जिस पर आपका अधिकार नहीं था उसके मोह ने आपके साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर दी। प्रभु के आत्मलिंग पर आए नहीं, मेरे हैं वो। प्रभु के तेरवें
कृष्ण दर्शन अवतार की सीख तो मत भूलिए लंकेश। ये तो ज्ञात है ना आपको कि आसक्ति से ही दुर्गति है। किंतु आपने कहा प्रभु के आत्मलिंग के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग किया। आसक्ति के स्थान पर श्रद्धा, भक्ति और प्रभु के अटूट विश्वास को आत्मसात करना चाहिए था आपको, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के विश्वास को कभी खंडित नहीं होने देते। यही सीख थी ना प्रभु के 14वें अवतार प्रभु भिक्षुवर्य की। किंतु आपको किसी भी सीख का क्या लाभ, क्योंकि आपको तो एकमात्र अपनी शक्ति में ही विश्वास है लंकेश। अवश्य है, क्योंकि शक्ति संपन्न हूँ मैं, अपार शक्ति है मुझ में, और उसका प्रयोग कब और कैसे करना है ये भी ज्ञात है मुझे। ये आपकी शक्ति नहीं, आपका अभिमान है लंकेश। चंद्रहास, ये क्या? दशानन ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र के समक्ष प्रकट कर लिया। नहीं लंकेश, अब और भूल मत कीजिए। लंकेश, तुम पिताश्री से प्राप्त चंद्रहास का प्रयोग अधर्म के लिए कदापि नहीं कर सकते। प्रभु के 15वें अवतार प्रभु यक्ष की सीख का स्मरण कीजिए। सदा स्मरण रखना, मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं उस सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। किंतु आपने अपने अभिमान को अपने आचरण का अभिन्न अंग बना रखा है, और आपने प्रभु के 16वें अवतार प्रभु यतिनाथ की जो कथा अंत में सुनाई थी, उनसे यही सीख प्राप्त होती है कि अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि ही भगवान के स्वरूप होते हैं। किंतु आपने तो प्रभु को अतिथि के स्थान पर बंदी बनाकर लंका में स्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। अपने ही आराध्य के साथ छलावा कर उन्हें विवश करते हैं आप, फिर इसका दंभ भी करते हैं कि आप उनके महानतम भक्त हैं। आप जैसे मिथ्या भक्ति करने वालों को ही भक्ति का वास्तविक मर्म सिखाने हेतु प्रभु महादेव अपना अगला अवतार लेने वाले हैं। नहीं, आप क्या समझ रहे थे, मुझे प्रभु के अवतारों का ज्ञान नहीं? नहीं, मैं तो आपको मात्र लंका जाने से रोकने के लिए ही आपसे उनके अवतारों की कथाओं का श्रवण कर रहा था, क्योंकि मुझे तो प्रभु के वो अवतार भी ज्ञात हैं जो भविष्य में प्रकट होंगे, और प्रभु के अगले अवतार हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वो महाभक्त प्रभु हनुमान जो अपने वक्ष में अपने आराध्य को धारण कर हमें ये सीख प्रदान करने वाले हैं कि भक्त के कण कण में प्रभु का वास होता है, और जो भक्त अपने शरीर को ही प्रभु का मंदिर मान लेते हैं वो तो स्वयं भगवान बन जाते हैं। कदाचित उनकी भक्ति देखकर आपको निश्चल भक्ति का महत्व समझ में आएगा, और फिर प्रभु द्वापर युग में काल, क्रोध और यम के अंश अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महायोद्धा अश्वत्थामा के रूप में अवतार लेकर जगत को ये सीख देंगे कि प्रतिशोध की भावना से व्यक्ति दूसरे का ही नहीं स्वयं अपना भी विनाश निर्धारित कर लेता है,
और प्रभु के 19वें अवतार होंगे प्रभु किरात, जो एक वनवासी के रूप में धर्मपरायण योद्धा पांडव पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेने के उपरांत उन्हें पशुपति अस्त्र प्रदान करेंगे और संसार को ये सीख देंगे कि वास्तविक योद्धा वो होता है जो अपने पराक्रम से युद्ध भूमि में विजय तो प्राप्त करता ही है, प्रभु के हृदय में भी अपना स्थान बनाने में सफल होता है। और एक परम भक्त योद्धा का आचरण आपके सर्वथा विपरीत होता है, क्योंकि आपने तो तपस्या के माध्यम से भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने भगवान से भी छल किया। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, यीशु की सारी संकटों से चित ही है उबारते। यदि अभी भी आपने स्वयं को नहीं सुधारा लंकेश, तो प्रभु महादेव के अगले 3 अवतारों में से एक प्रभु हनुमान आपको उचित सीख अवश्य देंगे, तब उनका आगमन आपके विनाश का संकेत होगा और उसी दिवस से आपका सर्वनाश आरंभ हो जाएगा। ये सब कहकर आप मुझे भयभीत कर रहे हैं गौरी पुत्र, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी अवतार मुझे लंकेश रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये दशानन तो अपनी हट पर अड़ा है, अब प्रथम पूज्य गणेश जी दशानन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं तो आपको सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान कर रहा था लंकेश, आप अपनी भूल स्वीकार कर सकें, इसलिए मैंने पुनः प्रभु महादेव के सभी अवतारों से प्राप्त सभी सीखों का उल्लेख किया, किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि आप अब कोई सीख स्वीकार नहीं करना चाहते। संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ मैं, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं गौरी पुत्र, आप मेरे आराध्य शिव शंकर शंभु के पुत्र हैं, इसलिए अभी तक शांत रहा मैं, और यदि आपने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से रोका तो मैं अपने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं रुकूंगा। ये लंकेश तो सुधरने के स्थान पर पुनः अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के लिए भी ये कथन सर्वथा उपयुक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्वयं को सुधारने में असमर्थ हो उसे तो मात्र दंडित ही किया जा सकता है। अब आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। यदि गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी ने शानन का संहार कर दिया तो प्रभु श्री हरि नारायण के श्री राम अवतार लेने का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। प्रभु महादेव के समस्त अवतारों को प्रथम पूज्य गणेश जी ने तो लंकेश को दंडित करने से रोक दिया, किंतु क्रोधवश स्वयं वही करने जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। प्रभु रोक लीजिए पुत्र गणेश को, अन्यथा ना ही प्रभु राम अवतार प्रकट होंगे और ना ही आपके प्रभु हनुमान के प्रकट होने का कोई कारण शेष रहेगा। प्रभु
मुझे ज्ञात था मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। पिताश्री ने अपने त्रिशूल से मेरे वार को क्यों निरस्त कर दिया? महादेव। पुत्र, लंकेश रावण को उसके अपराध का दंड प्राप्त हो चुका है, वो आत्मलिंग खो चुका है और यहीं से उसके पापों की गागर भी भरनी आरंभ हो चुकी है, किंतु हमें अभी भी उसे एक भूल सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर शंभू, मुझे ज्ञात था कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करने नहीं, तुम्हें सचेत करने आया हूँ लंकेश। अनेक कल्पों और युगों से तुम मेरे समक्ष आते रहे हो, प्रत्येक बार जब भी तुमने जन्म लिया, मेरा भक्त होते हुए भी अंततः तुम पाप ही करते आए हो और फिर विवश होकर प्रत्येक युग में नारायण तुम्हारा वध करते रहे। प्रत्येक जन्म में तुमसे एक ही आशा रही है कि इस जन्म में तुम अवश्य सुधर जाओगे, किंतु तुमने मुझे सदा निराश ही किया है लंकेश। प्रत्येक कल्पों और युग में ही नहीं, अभी तो प्रत्येक ब्रह्मांडों में तुम इन्हीं भूलों को दोहराते हो और दंडित होते हो। धर्म अधर्म का भेद का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक रावण अधर्म ही करता है। मुझे क्षमा करे प्रभु, किंतु इस बार मैं अवश्य सुधर जाऊंगा। प्रभु, आपने यह अवसर प्रदान किया है मुझे, इसका लाभ अवश्य उठाऊंगा मैं। हे गौरी पुत्र, मुझे प्रत्येक भूल की क्षमा दीजिए। लंकेश, आप इसे अपना अंतिम अवसर ही समझिए और प्रभु महादेव के 19 अवतारों से प्राप्त प्रत्येक सीख का पालन भी कीजिए, अन्यथा आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा हेतु लंकेश रावण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे क्षमा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। गौरीपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरीपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरीपुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। अज्ञानी और अहंकारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का चरित्र भी उस मेघ के समान होता है जो सूर्य को मात्र क्षण भर के लिए ढक कर ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है।